सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं हिंदू शेर बॉय वर्सेस शुभम मिश्रा के बारे में। तो पहले तो मैं आपको पूरा कॉन्ट्रोवर्सी एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लिप्स वगैरह दिखा दूंगा। सो गाइज, ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था जब शुभम मिश्रा ने ईद मुबारक से रिलेटेड एक पोस्ट किया था। तो उसके बाद हिंदू शेर बॉय ने उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। इसके बाद शुभम मिश्रा ने उनको रिप्लाई किया था, एंड इसके बाद फिर से हिंदू शेर बॉय ने उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाया था। तो इसके बाद शुभम मिश्रा ने रिसेंटली एक ओपन चैलेंज दिया है उनको, एंड उसी वीडियो के नीचे उन्होंने एक कमेंट पिन भी किया है। सो गाइस, पहले तो आप उस सब वीडियो से कुछ पार्ट्स देख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आपको पिन कमेंट भी दिखा दूंगा। और हाँ गाइस, प्लीज ईयरफोन्स लगा लेना। जवाब देने के लिए तो हम तैयार रहते हैं हर टाइम, ठीक है ना? तो एक बार ये वीडियो क्लिप थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सुना देता हूँ, ये सुनना। नहीं मालूम है कि कुछ सालों पहले किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों को किस तरीके से नोचा गया था, किस तरीके से रातों रात उठाया गया था, किस तरीके से उनको धमकियां दी गई थी, भगाया गया था, जबरदस्ती उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्रता की गई थी और रातों रात उनको भगा दिया था। लेकिन इनको इतिहास नहीं मालूम है, खासतौर पर शुभम मिश्रा। अब सुन रहे, तू अपने नाम के पीछे से मिश्रा मिश्रा हटाना छोड़, हमारे ब्राह्मण भाइयों को बदनाम करने की कोशिश ना कर, पहली बात यू समझा क्या? अगर घर में पागल कुत्ता पालेगा ना, तो वो कुत्ता खुद को खाएगा, समझा क्या तेरे को? शुभम मिश्रा को तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ उसे नाम चेंज कर लेना चाहिए। इतिहास की नहीं पता शुभम मिश्रा को, अपने इतिहास की नहीं पता, भगवान परशुराम के बारे में नहीं पता और हमारे वीर सपूतों के बारे में नहीं पता। लेकिन ये चीज याद रहेगी, ये नहीं भूलेंगे। अगर ये इन्होंने मुबारकबाद नहीं दी तो इनको फॉलोवर टूट जाएंगे। अगर इन्होंने भगवान परशुराम के लिए इन्होंने एक पोस्ट कर दी जयंती पे, अगर इन्होंने एक पोस्ट कर दी ना, तो इनके फॉलोवर टूट जाएंगे। इन्हें फॉलोवर से मतलब है। अपने पे वीडियो बनाया क्योंकि कल मैंने ईद मुबारक का विश किया है मेरे मुस्लिम भाइयों को, ठीक है? तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं नकली हिंदू हूँ और मेरे को मतलब मेरे जैसे हिंदू की वजह से मतलब नाम खराब हो रहा है, ठीक है? तो अब पहले तो मैं एक चीज बोल दूँ सुरेश भाई को कि भाई मेरी बात सुन, मैं वो ट्विटर वाला एक्टिविस्ट नहीं हूँ कि समझ रहा, मेरे को जवाब देना भारी पड़ जाएगा या जवाब नहीं दे पाऊंगा, हकला जाऊंगा, ठीक है? हाँ, अपने दिल में क्या है ना, अपने को पता है, ठीक है? तो मेरे को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार हुआ है। तो सबसे पहले मैं तेरे को मेरे ग्रुप की फोटो दिखाता हूँ, देख, ये मेरे ग्रुप की फोटो है। ये कहाँ का बैकग्राउंड कहाँ का है मैं तेरे को बता दूँ, नासिक का है, त्र्यंबकेश्वर महादेव, ठीक है? वहां पे ये जितने भी अंदर दो तीन मुस्लिम है अंदर, ठीक है? तीनों मुस्लिम मेरे साथ अंदर दर्शन करने आए थे और फूल भी चढ़ाया था। क्या फूल भी चढ़ाया था अंदर लाइन में खड़े रह के, समझा? वो लाइन में खड़े रह के जो जाते हैं ना अंदर, फूल भी चढ़ाया था उन्होंने खुद के पैसे से, ऐसा भी नहीं कि मैंने खरीद के दिया, खुद के पैसे से, समझा? वो क्यों पता है? क्योंकि उनको गर्व है कि मेरे जैसा हिंदू दोस्त है उनका, ठीक है? तो उन लोग के लिए अपने ने विश किया था। और ऐसे जितने भी मेरे भाई लोग हैं ना, जिनके दिल में पाप नहीं है, जिनके दिल में ये धर्म की वो बोलते हैं ना वो नहीं है, समझ रहे? जिनके दिल में हिंदुस्तान है, उन सबके लिए मैंने विश किया था, समझ रहे? जो तू वीडियो में दिखा रहा है ना, वो तू देखता होगा, तू फॉलो करता होगा और कुछ चूतिए फॉलो करते होंगे उसको, पर मैं कभी ना देखा है इन लोग को, ना मेरे पास टाइम है। ऐसा कोई वीडियो भी आते हैं तो अपने हटा देते ना फॉरवर्ड करते, ठीक है? ये अपनी टेक्निक है, याद रखना, क्योंकि मेरे को ना अच्छी चीजें फैलाने में मेरे को मजा आता है। हाँ, क्योंकि वो कम वायरल होती है, पर कुछ लोगों तक पहुंचती तो उनके दिल में ना एक अच्छी चीजें उभरती है, ना कि नफरत पैदा होती है, ठीक है? हाँ, तो ये चीज तू, और तूने ये बोला कि फॉलोअर्स के लिए मैं ये करता हूँ, तो मेरी जान, मैं ऐसा बोलता हूँ, जिस दिन मैंने एक तरफा बात करना चालू कर दिया ना, उस दिन तू ऐसा समझ के पूरे हिंदुस्तान के हिंदू है ना मेरे को सर पे चढ़ा लेंगे, इतना याद रख। तेरे जैसे भी हिंदू है ना जो बहुत सारे हो गए, तो वो लोग भी मेरे को सर पे चढ़ा लेंगे,
समझा, तो उससे फेम मेरे को जल्दी मिलेगा, पर ये जो मैं कर रहा हूँ ना इससे फेम नहीं मिलेगा। और तेरी वजह से मैं ऐसा बोलता हूँ, तू किसी के धर्म को गाली देता है तब किसी की हिम्मत होती है अपने हिंदू धर्म को गाली देने की, समझा। मेरे वीडियो बनाने से किसी की गांड में ताकत नहीं है कोई मेरे को मेरे धर्म को गाली देवे, समझा। हाँ, और जिसने जिसने दिए उन सबकी माँ चोदी है। मेरे को बता कितने लोगों ने जो अपने फोटो जलाते थे ये करते थे, आज पाकिस्तान में भी ये साबित कर दिया कि इन चूतियों की वजह से तुम सबकी मैं माँ चोदता हूँ। आज वो लोग भी अपने को सपोर्ट करते ये चीज में कि नहीं सही बात है, तुम कभी धर्म को बीच में नहीं लाए, पर ये लोग धर्म को बोलते, मतलब ये नामर्द लोग है, ठीक है, समझे, खुद के फायदे के लिए धर्म को बीच में लाते हैं। तो वैसा ही तेरा भी ट्रैक चल रहा है कि पब्लिक को वो जुड़ी है, जो पब्लिक आज मेरे हौसले बुलंद गैंग तेरे को बताएगी। और मैं यहाँ का बता दूं, आज तक मैंने कभी प्रचार नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर वीडियो में, समझ, अपने सलमान खान है भाई, हाँ अपने करके भूल जाते, दिखाते नहीं है मेरी जान। हाँ, तो आज मैं तेरे को बताता हूँ। चल, तूने मेरे को क्या बोला, परशुराम जयंती, इसने ईद मुबारक किया पर परशुराम जयंती पे ये कहाँ गया था, बराबर। तो मैं तेरे को दिखाता हूँ, देख ये फोटो ध्यान से देख, ये परशुराम जयंती का क्या लिखा है इस पे, पढ़ तू, जय जय परशुराम भगवान, ठीक है। ये कब का है, ये 25 अप्रैल का है, परशुराम जयंती का, जब हमारे यहाँ के जो गुजरात में जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ के ब्राह्मण समाज के जो नेता है ना, जो मेन, समझ रहे, कि उन्होंने अपने को बोला था कि दिया जला के अपने घर में रह के ये करना, तो अपने ने ये किया, ठीक है। और अपने अंदर क्या है ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गर्व है मेरे को ब्राह्मण होने पे, मेरे को किसी को बताने की या प्रचार करने की जरूरत नहीं है, मेरे कार्य न कर्म, जो मैं कर्म करता हूं ना, उससे पब्लिक को पता चलता है कि कितना बड़ा शेर हिंदू है, हिंदू शेर बॉय, समझ रहे, हाँ। और मेरे जॉन अब्राहम जैसे बाल भी नहीं है, इतना याद रखियो, समझा, हाँ, ना मेरे को तिलक लगाने की जरूरत है। और मैं तेरे को बता दूं मेरे को कहां कहां बुलाते हैं, अब मैं तेरे को दिखाता हूं परशुराम जयंती का हर साल जो होता है, सुन अब ध्यान से देख, सुनाई दे रही है ना आवाज, हाथ में देख ले क्या है किसी की गांड में ताकत, अपने मानते ना, अपने किसी को सुनाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए चिल्लम चिल्ली नहीं करते, अपने दिल में से निकलता है तो निकलता है, समझा, हाँ। और मेरे को देख के कितने यंग लड़के यहाँ के ना ये रैली में जुड़े ना, वो आके तू यहाँ पे पता कर या फिर चेक कर फेसबुक पे या हर जगह, तो तेरे को पता चलेगा। और यहाँ के गौ रक्षा समिति से लेके जो बड़े बड़े संगठन है ना, करनी सेना, महाकाल सेना, सब मेरे को बुलाते है, क्यों पता है, दूसरे धर्म को गालियां देने के लिए नहीं, अपने धर्म को मोटिवेट करने के लिए, जो मेरे में है, जो सब समझते है, वो चूतिए, तेरे को ऐसा लगता है, तू ये बता रहा है कि वो सब चूतिए जो मेरे को मानते है, हाँ, जो मेरे को बुला के माइक देते कि भाई यार कुछ बोलना ही पड़ेगा तुमको, हाँ। और अपने एज अ हिंदू, अपने हिंदू भाइयों को जब मैं बोलता हूँ कि बजरंग बली के भक्त है इसीलिए सख्त है, तो जो चिल्लम चिल्ली होती है ना वो दिल से जुनून, समझता है, वो जुनून मैं लाता हूँ। शुभम मिश्रा, ब्राह्मण, हिंदू, आज मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पर तेरे जैसे के लिए मेरे को आज ये बोलना पड़ रहा है, समझा। जय श्री राम। मेरे भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डिंग सुनाना है जिस तरीके से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी है, और ये रिकॉर्डिंग थोड़ा मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। अब चलिए, अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। अभी भी मेरा इससे यही सवाल रहेगा लास्ट में, चलिए वो सवाल करके जाऊंगा लास्ट में, जरूर देखना लास्ट तक। अब आते हैं रिकॉर्डिंग पे, मेन चीज आ गई अब रिकॉर्डिंग की, ये सुनिएगा। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं जरा। हेलो, हाँ सत्य में जय थे, शुभम बोल रहा हूँ भाई। जय श्री राम भाई, कैसे हो? बस बढ़िया हो। बढ़िया बढ़िया। और तो मैंने फोन आ रहा था, मैंने किसका फोन पता नहीं कहीं आ रहे थे, तो मैं लेट हुआ था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ही मतलब उठे नहीं होंगे इसीलिए, तो मैं पता लगा था फोन आ गया था, तो मतलब मतलब ले जा रहे थे तो उनका पीछा किया। अच्छा अच्छा सर, सब बढ़िया बढ़िया। तो बस मैं इसलिए फोन किया था कि तुमसे बात करनी थी, कि तुमको अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई हम अलग उसमें जा रहे हैं कि किसी और धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है शुभम भाई? देखो मैंने आपको तो अभी तक कुछ बोला नहीं, आपने ऐसा कोई, देखिए मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग काफी लंबी है, एक रिकॉर्डिंग 19 मिनट की, एक 17 मिनट की है, 9 मिनट की भी है, 15 मिनट की भी है, काफी रिकॉर्डिंग है।
और काफी टाइम जितने भी हिंदुस्तान के हौसले बुलंद वाले मेरे से जुड़े, कल तो और 2-3 हजार लोग जुड़ गए, तो उन लोग को पहले दिल से सैल्यूट है कि कल जो तुम 2-3 हजार सुअर और जुड़ गए हैं, जरा तालियां तो बनती है ना मेरे भाई, तालियां बजा दो ना एक बार हिजड़े के लिए, क्योंकि 2-3 हजार हिजड़े और जुड़ गए हैं, तालियां बनती है, तालियां बजा दो एक बार। और बोल रहे ने उसके पेज पे जाके गांड मारी है और कमेंट में ऐसा ऐसा बोला है कि उसकी गांड फट गई, गांड फट के चार हो गई है, और उसने क्या किया पता है, सारे कमेंट्स डिलीट किए, मेरे को सारे स्क्रीनशॉट भेजे है मेरे पब्लिक ने, हाँ मेरी हौसले बुलंद आर्मी ने, और ऐसे ऐसे कमेंट किए ना कि उसको ऐसी गांड फट गई कि कोई पड़ेगा तो कचरे हो जाएंगे, कचरा तो है ही पर फिर भी कचरे। इस चूतियों को बता दूं, सुन रहे गंडवे सोने कान खोल गए, मेरे पे इतना टाइम ना है कि जो तुम जैसे चूतियों के मैं कमेंट पढ़ूंगा, समझा ना, अभी मेरा 2-3 दिन में वीडियो आया ना, तो इतना टाइम नहीं सुरेश के पास कि तुम जैसे चूतियों के मैं कमेंट पढ़ने के बैठा हूँ, ठीक है ना, फिर उनको डिलीट मारूंगा, ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो तेरे को करना है चैनल उड़ाने का उड़ा दे, कुछ भी कर ले, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ने का। सत्यमेव जयते दोस्तों, तो ये जो भड़वा है सुरेश, ये खाके ही मानेगा, तो इसको खिलाएंगे, अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है तो इसको क्या कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, तो ये शुभम मिश्रा का नाम खा रहा है ये, पर इसको पता नहीं है कि ये बाप है, ये लौड़ा भी नहीं देगा तेरे को, झाटा भी नहीं देगा, समझा। हाँ तो ये जो इनके भड़वे लोग, जो इसके टपोरी जो पंटर लोग है, वो लोग मेरी फोटो एडिट करके टोपी लगा रहे ऊपर, ये कर रहे शुभम मिश्रा की बहन, ये वो ऐसा ऐसा इतना गंदा गंदा बोल रहे, बराबर, तो भी अपने ने कुछ ये सब लगाया नहीं थंबनेल, बराबर, अपने ऐसे नहीं है, अपने सच्चे हिंदू है, हिंदू शेर बॉय है अपने, समझे, हिंदुस्तानी शेर बॉय है अपने। हाँ तो इसको मैं एक चीज़ ये चैलेंज देता हूँ आज, खुला चैलेंज शुभम मिश्रा का, कि तू बड़ौदा में तेरी गांड में अगर ताकत होने, एक बाप की औलाद होने, माँ का दूध पिया होने, तो तू ये बोल बच्चन या ये सब पे छोड़ दे यूट्यूब पे, तू मेरे को आके यहाँ बड़ौदा में मिलेगा, बड़ौदा गुजरात, बराबर, मेरी गाड़ी भी दिखा देता हूँ, आगे दिखाओ तो ये देखो, ये सत्यमेव जयते लिखा है, मेरी गाड़ी है, बराबर, ये गाड़ी तेरे को है ना कहीं भी दिख जाएगी, अरे कोई भी लड़के को भी बोलेगा ना कि कहाँ है भाई, तो तेरे को घर तक छोड़ने आएंगे, बराबर, तो मैं तेरे को खुला चैलेंज देता हूँ, एक बाप की औलाद है तो अब वीडियो मत बनाइयो, बराबर, तेरी घाण में बहुत है ना चुराटा है ना तेरे को, तो भोसड़ी के तू आके पर्सनल मिलेगा लोड़े, अब वीडियो मत बनाइयो, चैलेंज पूरा करियो लोड़े, हाँ एक बाप का औलाद हो तो, ये जो बोलते ना हिंदू शेरवर, मेरा लड़का तू बॉय है भोसड़ी के, हाँ चू तुम्हारी के लुखे, तेरी तरह वो टाइटल बाइटल लगाने की जरूरत नहीं है भोसड़ी के, बड़वे लुखे छीनाल, समझा, तेरी अभी तू आ खाली मेरे को मिल यहाँ पे, तेरी गांड में अगर ताकत हो, एक बाप की औलाद हो, तो तू आके मेरे को मिलेगा, बराबर। तो जैसे कि आपने पेंट कमेंट में देखा, शुभम मिश्रा कह रहे थे कि वो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह फेक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही न्यूज था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।